हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल गेमस वन वन सिक्स तो कैसा आप लोग उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो गए और स्वागत है मेरे चैनल पे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हो तो जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करना देखो माइक हो सकता है आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो क्योंकि मैं माइक मुझे मजबूरी में यूज़ करना पड़ रहा है ये वाला ये माइक थोड़ा सा अच्छा नहीं है क्वालिटी इसकी थोड़ी सी लो है तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ अच्छा नहीं आएगा फिर भी मैंने कोशिश किया है कि अच्छी से अच्छी आवाज़ हो अच्छा टॉपिक पे आते हैं आ, पहली बात अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ सकते हो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ठीक है तो वहाँ जाके डेफिनेटली जुड़ो ठीक है एक और बात करता हूँ मैं अगर आज हम लोग बात करने वाले हैं अपडेट्स से रिलेटेड तो अभी देखो मॉडल कॉम्बैट में भी अपडेट आया हुआ है और इनजस्टिस टू में भी अपडेट आया हुआ है तो मैं दोनों अपडेट की बात करूँगा दोनों गेम के अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ मैं द बेस्ट अपडेट और द वर्स्ट अपडेट दोनों के बारे में बात करूँगा मैं मॉडल कॉम्बैट की अगर अपडेट की बात करता हूँ तो उसमें एक टावर आया हुआ है जिसका नाम है एक्शन मूवी टावर जो कि बहुत बहुत सही टावर है और इसमें सबसे अलग बात मैंने देखी कि जो आपका क्लासिक मूवी जॉनी केज है ना वो आपको रिवॉर्ड सेक्शन में भी मिल गया है मतलब आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो सबसे न्यू डायमंड कार्ड है वो आपको रिवॉर्ड में मिल रहा है डायरेक्ट नहीं तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि नया कार्ड डायमंड कार्ड आते ही उसको रिवॉर्ड सेक्शन में डाल दिया गया हो ये फर्स्ट टाइम मोटर कॉम्बैट ऐसा कर रहा है कि डायमंड कार्ड आते ही उसे रिवॉर्ड सेक्शन में डाल दिया मतलब दे दिया उसको रिवॉर्ड में ठीक है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आ... आई थिंक ये पहले किया है क्या नहीं किया है कभी तुम तो अगर ध्यान से नोटिस करो तो ये ऐसा नहीं हुआ ना ही क्लासिक मूवी रेडन के साथ ऐसा हुआ था ना ही एम के एलेवन लू के साथ हुआ था ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि डायमंड कार्ड आते ही उसको रिवॉर्ड सेक्शन में डाल दिया जो कि बहुत अच्छी बात है आ, मैं नॉर्मल टावर की बात करूं वो भी बहुत अच्छा है मैं अगर फैटल टावर की बात करूं तो वो भी बहुत बढ़िया है आप मेरे हिसाब से ओवरऑल गेम का जो अपडेट आया बहुत ही अच्छा आया है एनिवर्सरी आने वाली है मैंने जैसे पहले कहा था कि सात तारीख से आई थिंक ये वीकली एनिवर्सरी का कुछ शुरू करने वाले हैं तो एनिवर्सरी पे इस बार कम्युनिटी पैक आने वाला है तो उसके लिए आ, भी रेडी रहो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्स रखो कम से कम क्यों कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सोल्स रखो एटलीस्ट मान के चलो ना आठ हज़ार तो होने चाहिए आपके अकाउंट में आठ हज़ार पाँच हज़ार कुछ तो होना चाहिए कि कम से कम मैं कह रहा हूँ चार पैक खोलो बस कम से कम चार पैक तो खोलो ना एटलीस्ट चार पैक तो खोलो चार पांच पैक तो इतना होना चाहिए अगर नहीं है सोल्स कम है या किसी पैक पे तुमने खर्चा कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है कोशिश करो कि एक दो पैक भी खोल लें ठीक है एक दो पैक भी हम निकाल लें कम्युनिटी पैक का क्योंकि देखो उसमें गारंटी डायमंड कार्ड है और जो एट कैरेक्टर्स थे ना उनमें से ही कोई एक डायमंड कार्ड मिलेगा तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है ठीक है मैं बात करूं लू कैंग की तो लू कैंग का पैसिव बहुत अच्छा हो गया है फिर से नॉर्मल हो गया है लू कैंग जो कि बहुत अच्छी बात थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनोइंग पैसिव कर दिया था उसका वो अच्छा नहीं लगता था यार मतलब लूकैंग से फाइट करना काफ़ी पॉपुलैरिटी जो थी लूकैंग की वो डाउन हो चुकी थी मैंने मेरे पास बहुत ही बड़ा प्रूफ है क्योंकि मैंने इसके पहले एक बार वोटिंग कराया था लूकैंग का और स्कॉर्पियन का तो उसमें अगर मैं कंपेयर करूँ तो स्कॉर्पियन नहीं था स्कॉर्पियन पीछे था लूकैंग के सेकेंड पोजिशन पर था एम के स्कॉर्पियन फर्स्ट पोजिशन पे क्लासिक लूकैंग था पहली वोटिंग में लेकिन जब मैंने अभी पैसिव चेंज होने के बाद जब मैंने अभी रिसेंट वोटिंग कराई थी उसमें दूर दूर तक क्लासिक लू नहीं था एम के एलेवन स्कॉर्पियन के तो एम के एलेवन स्कॉर्पियन नंबर वन था और सेकंड नंबर पे क्लासिक लू कैंग था ठीक है तो ये बात तो क्लियर थी कि पैसिव चेंज होने के वजह से लू कैंग की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी मॉडल कॉम्बैट के दिमाग में जो भी चल रहा हो जिस वजह से उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने पॉपुलैरिटी कम करने की सोची पर वो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलैरिटी कम कर दिया उन्होंने तो आई थिंक उन्होंने फिर से उसको जो है ठीक कर दिया है अब मे भी देखते हैं एक बार मैं फिर से वोट कराऊंगा डेफिनेटली पर देखते हैं क्या होता है मतलब आई थिंक मैं फिर से एक बार वोटिंग के लिए डालूंगा ज़रूर आफ्टर फिर से अगर जो पैसे रिवाइव हो गया है उसके लिए तो देखते हैं क्या हो गया क्या होता है कि किसको वोट मिलता है एम के एलेवन स्कॉर्पियन को कि क्लासिक लुक लुकैन को और ऑप्शन में एक दो ऑप्शन और रहेंगे तो आ, कमेंट में लिखना कि तुम क्या चाहते हो कि, कि किसको किसको मैं ऑप्शन में डालूं कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो ऑप्शन में डालें जिसमें आप वोट कर सकें अपने कैरेक्टरों को बाकी आपके हिसाब से क्या है कि कौन आपके हिसाब से बेस्ट कैरेक्टर है मैं एक पोस्ट डालूँगा वहाँ पर आपको कमेंट करना है आपके हिसाब से बेस्ट कैरेक्टर कौन है या मैं किसको वोटिंग में डालूँ मैं कुछ कुछ ऐसा पोस्ट करूँगा तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मॉडल कॉम्बैट के अपडेट से मैं खुश हूँ ठीक है सेटिस्फाइड हूँ मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत यूनिक कुछ लेके आया है आ, आ, लेकिन ठीक है ठीक है आई एम हैप्पी विद दैट ठीक है आ, फिर मैं बात करना चाहूँगा कि इनजस्टिस टू के अपडेट की जो कि भाई आई थिंक क्या है भाई मतलब एक तो बहुत बड़ा अपडेट था वो वन पॉइंट समथिंग जी का अपडेट था जो कि काफ़ी ठीक ठाक का अपडेट था अगर कंपेयर करा जाए मॉडल कॉम्बैट के अपडेट से तो बहुत बड़ा अपडेट था पर जब मैंने अपडेट किया गेम को ना तो मैंने देखा पूरा यूआई चेंज हो गया है पूरा जो यूज़र इंटरफेस है पूरा चेंज हो गया पूरा सब कुछ मतलब अलग लग रहा है था देखने में तो फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार ठीक लग रहा है यार देखने में तो खराब नहीं लग रहा है एंड देन आई क्लिक्ड ऑन कैरेक्टर मैंने फिर करेक्टर पे क्लिक किया और मैंने देखा ये क्या हो गया भाई ये ब्लर ब्लर क्यों दिख रहा है मुझे ये कैरेक्टर इतने ब्लर और अजीब से अजीब से क्यों दिख रहे हैं तो मैंने सोचा कि यार हो सकता है मैंने पावर सेविंग में लगाया है कहीं हो सकता है पावर सेविंग में थोड़ा इस तरह का ग्राफिक्स आता है हो सकता है पावर सेविंग हटा दूँ तो ग्राफिक्स सुधर जाए पर ऐसा कुछ नहीं है भाई वो गेम का अपडेट ही ऐसा आया है कि उन्होंने मतलब मैं क्या कहूँ फिर मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है हो सकता है रोस्टर में देखने में कैरेक्टर ऐसे दिख रहे हों पर गेम जब मैं खेलूँगा ना तो हो सकता है मुझे ठीक दिखे पर जब मैंने गेम प्ले किया तो गेम प्ले भी वैसा ही है भाई मतलब एक तो इनजस्टिस टू मोबाइल गेम की जो पॉपुलैरिटी थी वो वैसे ही बहुत डाउन चल रही थी और आपने इतना कितना बेहतरीन घटिया अपडेट लेके आए हैं आप कि उसकी पॉपुलैरिटी और डाउन हो गई तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई काहे कैसा अपडेट लेके आओ भाई आपने टेस्टिंग भी नहीं की अपने अपडेट की एक बार टेस्टिंग तो कर लेते भाई मैं यही कहता हूँ कि कोई भी गेम है एक बार अपडेट लाने से पहले पहले टेस्टिंग होती है ठीक है उस टेस्टिंग मोड में उसको चेक किया जाता है कि जो हमने अपडेट बनाया है जो हम अपडेट लेके आ रहे हैं क्या वो सही काम करेगा या नहीं क्या उसमें कोई इशू है तो इशू अगर है तो उसको पहले सॉल्व करके तब अपडेट रिलीज करते हैं पर पता नहीं यार मैंने इंजस्ट्री शो की अपडेट से तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ काफ़ी ज़्यादा बग है काफ़ी ज़्यादा ग्लिच है काफ़ी जो ग्राफिक्स की क्वालिटी है काफ़ी घटिया हो चुकी है तो पता नहीं अब ये कब सही होगी पर आई थिंक सही हो तो जाएगी पर इट टेक्स टाइम मे भी कुछ समय लेगा आ, तो मैं इससे खुश नहीं हूँ तो एक गेम है मॉडल कॉम्बैट उसमें ठीक आप अच्छा अपडेट आया है एक इंजस्टिस टू है उसमें घटिया अपडेट आया तो मैं भी आई थिंक कभी जो है देखते हैं यार लेट सी कि कब इंडस्ट्री शू का अपडेट सुधरेगा आ, लेट सी पर होप करते हैं कि जल्दी सुधर जाए मॉडल कॉम्बैट में एनिवर्सरी पैक आने वाला है एनिवर्सरी कम्युनिटी पैक विच इज़ कम्युनिटी पैक सो देखते हैं यार होप करते हैं कुछ अच्छा डायमंड देखने को मिले आ, मैंने पिछले बार कमेंट किया था बहुत लोगों ने एम के एलेवन को वोट किया था भाई एम के एलेवन लू हाईली डिमांडेड कैरेक्टर है पूरे कम्युनिटी पैक में से Uh, uh, देखते हैं यार देखते हैं क्या मिलता है सो so, होप करते हैं देखो मैं ज़्यादा तो ओपनिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि तुम लोग देख सकते हो कि मेरे पास ज़्यादा सोल्स नहीं है पर एटलीस्ट मैं तीन पैक चार पैक तो खोलने की कोशिश करूँगा होप uh, सो so, कि पैक खोल सकूँ तीन तो खोलूँगा ही गारंटीड है देखते हैं तीन में क्या मिलता है ठीक है बाकी अगर आप लोगों को कोई पैक खुलवाना हो कम्युनिटी मुझसे कम्युनिटी पैक तो प्लीज़ कमेंट में लिखना आ, या मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम इन, पे मैसेज कर सकते हो जो है वहाँ पे मैसेज कर तो या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है आ, वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ ठीक है तो वहाँ पे मुझे आ, कर सकते हो ठीक है फ़िलहाल यार वीडियो में इतना ही है आ, मुझे अच्छा लगा मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं डिटेल एक्शन मूवी टावर पे बात करूँगा जहाँ पे मैं उसके आ, क, जो है इक्विपमेंट पे बात करूँगा जहाँ पे मैं उसके रिवॉर्ड और काफ़ी टावर की जो टावर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आ, और मैं डिस्कस करूँगा फर्दर कि क्या क्या हो सकता है मैं टावर का फ्यूचर हम कैसे उसको टावर का जो आ, कैसे हम एक बेहतर जो टावर का मैनेजमेंट है वो ले आ कर सकते हैं मतलब हमें देखो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सिरारायु टावर चाहिए बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सौसरा टावर चाहिए बहुत लोग ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं डैनियन टावर का बहुत लोग ऐसे हैं जो अर्थराम टावर का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत लोग ऐसे हैं बहुत लोग ऐसे हैं जो नाइट टावर का इंतज़ार कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमें टावर की रिक्वायरमेंट ऐसे टावरों की रहती है पर टावर आते नहीं हैं तो हम एक प्रॉपर कितने लोग ऐसे हैं जो कोल्ड वॉर का इंतज़ार कर रहे हैं और कोल्ड वॉर आके भी चला गया तो हम लोग एक बार एक टावर के मैनेजमेंट पे बात करेंगे ठीक है मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा वीडियो उस पर मैं इस इस टॉपिक पे बात करूँगा कि कैसे हम गेम में ऐसे टावर सिस्टम लाने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टावर आ सके एक गेम के अंदर ठीक है तो बस यार वीडियो में इतना ही है होप करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो मेरे सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़ जाओ ठीक है बस आ, बस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाय